चलो 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 चलो, ये चूड़दार के स्टार्टिंग यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं और बस अब चढ़ाई चालू यहाँ से 18 किलोमीटर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, ऐसा है 18 किलोमीटर बोलते हैं, 18 से ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं है। हम जैसे हेल्दी लोगों के लिए 18 भी 25 मैं खुद भाई मेरी हालत देखो, मैं खुद ओवर वेट हूँ और सबसे हैवी बैग है मेरे पास, ये भी एक प्रॉब्लम है। वो तो रास्ते में चेंज करेंगे ना नहीं नहीं चेंज, थैंक यू ब्रो, मैं भाई यहाँ से यहाँ आने पे थक गया हूँ, पाँव मेरे जवाब दे गए यार। अब चाहे रेंगते रेंगते जाना पड़े, जाना तो पड़ेगा यार, वो सीढ़ियों पे से थोड़ी आ जाती फिर बाइक, वो सीढ़ी है उधर। वो सामने वाले पहाड़ों पे बर्फ दिख रहा है। साइड ज्यादा दिखते बस भाई, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है, 10 मिनट चले होंगे, रेस्ट करने का मन कर रहा है, सीधी चढ़ाई है यार। ओए ये लाली गुराशी है ना, कह नहीं सकते बट मेरे को वैसा लग रहा है वही है लाली गुराश का पेड़, ये भी देखने को मिल गया जस्ट स्टार्टिंग में ही, यहीं से चलते देख लिया देख लिया लाली गुराश, चले हमारा जूस निकलेगा उसको निचोड़ने जितने भी दम नहीं है अब चलो चलो ऐसे चलो, ये शाणे भर रहे हैं, सोचे उल्टा चलेंगे तो नहीं थकेंगे। चल के देखे तो हाँ यार अच्छा तो लग रहा है, ग्रिल को पकड़ के चलते रहो, नहीं यार फिर भी थाई दुख रही है, चल चल क्या हो गया ये सीढ़ी है ना यार, ये ऊंची ऊंची सीढ़ी है, इसे ज्यादा थकावट हो रही है। एक घंटे में 3 किलोमीटर भी नहीं हुआ ना, 2 हुआ है, 2 मुश्किल से 2 किलोमीटर। और भाई जो भी नया आ रहा है ना उसको बता देते हैं, नीचे जाके ना जहाँ से एंट्री है वहाँ जाके मत पूछ लेना कि पार्किंग कहाँ पे है, ऊपर ऊपर अभी रास्ते में पता चला एक घंटे ने बताया, जितना हम पैदल चले ना लगभग 3 किलोमीटर इतनी ऊपर तो पार्किंग है, और बाइक ला, हाँ बाइक ला सकते हो, गाड़ी ला सकते हो, 3 किलोमीटर ऊपर तक पार्किंग है, ट्रक भी ला सकते हो भाई, चलो उनका भी ठीक है ना, उन्होंने भी कमाना है इसलिए पार्किंग खोली हुई है। इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं भाई, 3 किलोमीटर आगे तक तुम्हें पार्किंग मिल जाएगी, वो देखो वो पूरा रोड ही से कटा ऊपर तक, और जो नीचे अगर तुमने पार्क किया ना उसके बाद 1 किलोमीटर संभल के भाई सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों में जान निकल जाती है, हमें मेन दिक्कत वहीं हुई सीढ़ियों में, अभी हम ऐसे रोड में चल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, यहाँ से हमने बाइक लेके जाना था, हाँ बाइक भी ले जा सकते और ऐसे रोड में हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई चढ़ाई अभी हाइट पे जा रहे कि नहीं जा रहे, हमने तो बस एक से सोचा हुआ है, गोप्रो में नहीं दिख रहा शायद, अगर हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है तो समझ लेना वो बर्फ है, वहीं देख रहे हैं और आगे को कदम चला रहे हैं आज शाम तक सूरज ढलने तक जितना हो सके उतना चलेंगे, हमें चेतावनी मिली है जहाँ बर्फ अगर तुम्हें लगे ना जा सकता हो तुम वापस आओ, अंकल ने पार्किंग वाले अंकल ने
पहले बोल दिया अगर ना चढ़ी जाए, बर्फ है नहीं चला जा रहा, बर्फ पे मत चलना, साइड से चले जाना। दोस्तों पिछले वापस आ गए थे। कहाँ से? बर्फ थी ना बहुत। हाँ मैं पता कैसे पार हुआ था जब मैं आया था, मतलब बर्फ थी। हाँ इतना रास्ता था, सिर्फ या तो निकल गए या गए तो नीचे गए। हम निकल गए थे, फिर उतर के हम दूसरी तरफ से उतरे थे। अब समझ आ रहा है जो फर्स्ट टाइमर थे मेरे फ्रेंड आए थे क्यों रो रहे थे चैट पे कि सोच समझ के पूरी जानकारी लेके जाना, उनके साथ भी ऐसे कुछ सिनेरियो बैठा होगा। गैस बनने लग गई यार, खट्टी डकारे चालू होगी। वो दिखाई देंगे नहीं, वो हमारे जो तीन बैठ के आए हैं मजे से जा रहे हो। देखो एक दो और तीन हम चला के आए हैं, और जो आगे तीन जा रहे वो बैठ कर आए हैं। अब तो यहाँ आके भी टोली अलग अलग कर ली, ड्राइवर अलग और पैसेंजर सवारियाँ अलग। और ताने दे रहे, देख लो हम कैसे चल रहे। हाँ इशारे कर रहे हैं वहाँ से, जल्दी आओ। छः किलोमीटर नहीं, 6 घंटे राइड की है नॉन स्टॉप। हाँ यही है रास्ता। हाँ ले ऊपर पहुंच के चिल्ला रहे, यही है ना पार्किंग जो आंटी कह रही थी, यही है वो पार्किंग। देखो चंडीगढ़ के नंबर वाली व्हीकल्स लगे हुए, पंजाब के लगे हुए, देख लो भाई यहाँ तक आते व्हीकल। दिख भी नहीं रहे। पहले ऊपर चढ़ के चिढ़ा रहे हमें। हेलो गाइस, आ जाओ बाय गाइस। भाइयों बहनों बहुत अम्मी को देना एक्शन में थोड़ा आराम जा दे। ओ भाई इस बार भूषण की सरकार, इस बार रवि की सरकार, बुरा हाल हो गया। टुंडा सरकार। ये पी के शांति करो अपने मन को, चिप्स वगैरह नहीं है। गर्मी भी है सर्दी भी है, जब हवा लगती है ठंड लगती है, खड़े हो जाते हैं तो गर्मी लगती है। भाई स्पेशल ड्यू लाए और सब नींबू। भैया तो पानी यार कूद देने चाहिए यहां से। अभी डर सबको लगता है। वहाँ पे 450 मिल रही थी यार। अच्छा यहाँ ही नहीं यार, बता ये पुरानी रेट। भाई बैंड बज हुई है, बोली 3 की होगी ना वो। मैं दिखाऊं बाद में कैसे ये 250 में अब दिख रहा है वो हीरो ने। भाई के बाल उड़ रहे हैं, हवा चल रही है इसका मतलब। यार उसके तो ओहो जुल्फे, पीछे से अगर कोई देखे तो लड़की बोल ले इसे। हाँ कुछ होगा बोतल के इशारों पे। ना बैठा है, बिना रेस्ट करे तो यार हम लोग चल नहीं सकते कसम से। 2 बज गए होंगे आराम से, 2 बज गए। अब इससे ऊपर जाएंगे नेटवर्क भी शायद ही मिले, तो घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया यार नहीं हो पा रहा। सोचा था इजी होएगा, आराम से हो जाएगा, सब निकल के आगे जाने दो। वो एरोप्लेन वाली वीडियो देखी आंटी की, चश्मे वाली। हाँ हट रहा है वो वाला, हो रहा है बहुत बुरा हाल है यार हमारा हुआ है। लोगों का पता नहीं। स्विमिंग पूल और हमें आज वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक बर्फ है, उसको क्रॉस करना है, तभी कल रिटर्न हो पाएगा टाइम पे। उतरते हुए तो कोई चक्कर नहीं, पर कल सुबह जो शरीर दुखने वाला है ना, आज ही प्रिडिक्ट कर दिया है। सही में यार मूव लानी चाहिए थी। चलो महादेव वो करेंगे, चलो चलिए चलते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। भाई
बम बम बोले हर हर महादेव 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 हर 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 महादेव 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 दारू नहीं पीनी भाई कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है हाँ एनर्जी आ गई पूरी फॉलो ना दाल चावल तो मानना पड़ेगा तुम्हें अच्छा हेलो गाइस व्हाट्सएप पहुंच गया हम पहली फाइनली मेरे पाँव दुखने लग गया वो देखो उमराव जान ब्लॉगर की हालत दिखाओ उमराव जान आखिरी आखिरी दिन सा लग रहा है क्यों पता नहीं भैया फिलहाल हो गया जवाब दे दिया भाई यार कंघी है कैसी ले दे यार कंघी आ गई मैगीज नहीं है फिर मुंह धो लो फिर जानवरों के हड्डी कैप्चर थकान के बाद खाना खाना ऐसा लग रहा है खाने का नशा चढ़ गया इसकी बोतल है ये थक गए यार थक गए आगे का रास्ता कैसे कंप्लीट होगा एक किलो और बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा नींद भी आ रही है नींद उतारने के लिए आकाश पकड़ियो यार मुंह धोए धोना जरूरी है सोच रहा हूँ मुंह धो लूं ठंडे ठंडे पानी से एकदम बर्फ जैसे चले नहीं तो उतरे थोड़ी बहुत पकड़िए एक सेकंड हो रही है रिकॉर्डिंग ऐसा लग रहा बर्फ रगड़ रहा हूँ हेलो बोलो भाई मेरे सब्सक्राइबर हेलो 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 नमस्ते सत श्री अकाल नमस्ते नमस्ते बेटा वाह ये भाई साहब ठंडे पानी में डेयरिंग कर रहे हैं अब मैं इनके पास ओए जूते तो कैसे लगेगा जूते जूते ओके भाई मेरा भाई रुमाल भाई क्या हाल है तेरे हम तो बढ़िया है भाई तुम बताओ तुम कैसे हो सो चलो यार बस बहुत हो गया पसीने जम के पूरा फेस में दाने दाने फिर चिकना चिकना सा हो गया था फोटोग्राफर तेरे से यार बराबर हो रहा तू सही किस्ता वो ऐसे निजाज चक के बड्डे मार चले चलो गाइस आगे चलते आगे जानवरों की हड्डी है ना हड्डी जानवरों की हड्डी देखते हैं वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ये हमारे ब्लॉगर है एक ने किसी का सहारा लिया है दूसरा तो मर ही चुका बस कुछ मिनटों का मेहमान है उम्मीद करते हैं जान आ जाए
फ्रंट। सो यार घनघोर अंधेरा है, पहाड़ तो इतनी ज्यादा ठंड है ना, और हम सुबह कितने, दोपहर को 1 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और शाम को 7 बजे पहुंचे, और ज्यादा नहीं कवर किया, 12 किलोमीटर कवर किया, जिस कवर करने में हमें लग गए 6 घंटे, और आते बस पड़ गए और सो गए यार। और अभी बाहर बहुत ठंड है, लोगों ने टेंट भी लगाया है अपना, बट दिखेंगे नहीं अभी टेंट में, टेंट भी लगाया हुआ है, बॉनफायर भी है, बस टाइम पास कर रहे लोग, करेंगे, पर ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मैं रात को तो यहाँ तारे कितने टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं यार, कैमरे में नहीं आएंगे, ट्राई करो क्या, नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बस मैं तो बस ये व्लॉग एंड करने के लिए आया था, पैरों में इतना दर्द है ना, इतना दर्द है पूछो मत यार। बिगनर्स के लिए मैं तो कहता हूँ कि त्रिवेंद्रम तो यार बिगनर्स के लिए नहीं है। क्या बिगनर्स के लिए? क्या जो पहले बार नहीं, ये क्या नाम है इसका, चूड़दार है ना, बिगनर्स के लिए नहीं है, और खासतौर वो जो जो फिट ना हो, अच्छा एथलीट बंदा है ना, एथलीट है उसके लिए ठीक है, पर जो नया नया है, बस आम इंसान है ना, आम से काम करता है, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं, एंडोरेंस नहीं है, उसके लिए चूड़दार तो नहीं है किसी भी हालत में। घर भी लगा तो बिगनर का क्या हाल होगा वो मुझे देख के पता चल सकता है। पूरा मुंह मेरा लाल हो गया था, मैं ना हम जपते जपते आया हूँ भगवान का, मैं और मेरे साथ वाले भगवान को याद करते करते आए, हमारे भी हिम्मत नहीं थी ऊपर तक आने की। सो यार इसी ब्लॉग का एंड करने के लिए आया था, हम तो नज़ारे देखेंगे, स्टार्स यहाँ पे इतने क्लियर है ना पूछो मत। तो कल सुबह मिलेंगे, कल सुबह हम जाने वाले मेन दर्शन के लिए, और कल सुबह मिलेगी सुनो भी, आजा तू भी आजा आजा आजा, दिख कोई नहीं रहा, नींद खुल गई होगी, तभी दर्शन दे रहा है। हेलो।